लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है। आप इसे नाश्ते में बनाइए, चाहे फिर शाम को कभी भी बनाइए, जिस समय छोटी छोटी भूख लगती है ना बच्चों को, बड़ों को, 2 मिनट में बनाइए। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, बहुत जल्दी बन जाती है। इसके लिए देखिए, मैंने 6 ब्रेड स्लाइस ले ली हैं। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मोजरेला चीज़ ले लिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, इसका मैंने बीज निकाल लिया है। ये मैंने 4 से 5 चम्मच कॉर्न ले लिए हैं, ये बॉइल्ड हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च, इसको मैंने चॉप कर लिया है, इसके भी मैंने बीज निकाल लिए हैं। ये 5 चम्मच मैंने टमाटो सॉस ले लिया है और 5 चम्मच ही मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रेड लीजिए। ब्रेड में हम थोड़ा थोड़ा टमाटो सॉस और थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस लगा के सारी ब्रेड हम ऐसे रेडी कर लेते हैं। देखिए, यहाँ 4 ब्रेड में मैंने सॉस लगा लिया है। हमें थोड़ा थोड़ा इसमें कैप्सिकम, थोड़ा कॉर्न, थोड़ा टमाटर डाल के इन सबको ब्रेड भी ऐसी रेडी कर लेती हूँ। देखिए, मैंने डाल दिया इसमें। बाकी अब मैं इसमें डाल रही हूँ मोजरेला चीज़, ये भी अच्छे से डालिए इसमें। देखिए, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना, तो सोचिए खाने में ही कितना टेस्टी होगा। इसको भी अच्छे से ऐसे हम भर देते हैं। मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, चाहे तो इसकी जगह आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। देखिए, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो, बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये देखिए। हमें इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ है उसमें ऑलरेडी नमक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें मैं ये बटर डाल रही हूँ। बस ये अच्छे से हम इसको पूरे में ग्रीस कर लेते हैं। देखिए, एकदम अच्छे से गरम हो गया है बटर। अब जो हमने अपनी ब्रेड तैयार करके रखी थी वो हम इसमें अच्छे से प्लेस कर देते हैं, और गैस हमें फिलहाल अभी एकदम कम ही रखना है। देखिए, मैंने इसको अच्छे से प्लेस कर दिया है। 4 ब्रेड आई हैं, जितनी आपके पैन में आ जाए उतनी कर लीजिए। इसको बस 2 मिनट तक हम ढक के इसको अच्छे से पकने देते हैं, या जितनी देर में मोज़रेला चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए उतनी देर। देखिए, 2 मिनट हो गए हैं, चीज़ कितनी अच्छी मेल्ट हो गई है। हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर एकदम तैयार है। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा। तो बस अब हम इसको, ये देखिए हमारी चीज़ मेल्ट होकर कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।